हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दया आज आपके लिए है तरफ है आपके लिए आपकी मनपसंद जानी मानी अपाचे आरटीआर 4 और दूसरी तरफ है सबकी चहेती सबसे लाडली में सबसे अच्छी और सबसे पुरानी आपकी पल्सर। अगर आप पल्सर को लंबे समय से देखते आ रहे होंगे तो इसे 18 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इन 18 सालों में पल्सर ने अपने सेगमेंट में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है। 2004 में जरूर इसकी जो बॉडी थी वो जरूर चेंज कर दी गई थी, लेकिन जो इसका फ्रेम था वो लगभग सेम ही देखने को मिलता आ रहा है आपको इतने लंबे टाइम से। देखो तो ये तो यहाँ पर आपको अपाचे देखने को मिलेगी। अपाचे ने अपने काफ़ी सारे वेरियंट लॉन्च किए हैं। पहले आपको मिलती थी अपाचे, फिर आप आई अपाचे रेसिंग एडिशन, उसके बाद आई है अपाचे 4B। इसने काफ़ी सारे अपने जो मॉडल है चेंज किए, लेकिन पल्सर ने एक भी मॉडल चेंज नहीं किया। लेकिन अब आपको एक मॉडल मिल रहा है वो है UG5। लेकिन UG5 में भी देखा जाए तो उसके जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो उसमें फिन्स है वो चेंज कर रखे हैं, बाकी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अपाचे जो है उसने एक नया ही अपना एक मॉडल निकाला है जो है 4B के नाम से अब जाना जाता है। इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा दे रखा है और जिसके इसका पिकअप वगैरह भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अब आप सोचोगे हम पल्सर के साथ क्यों जाए, सब कुछ इसमें मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है? तो इसमें मिल रहा है आपको सदियों का भरोसा और सबसे ज़्यादा इंजन। जो इसका इंजन मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलता है, जो इसकी पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अब बात करते हैं इसकी वाइब्रेशन की। अगर वाइब्रेशन देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपाचे में ज़्यादा मिलता है पल्सर के मुकाबले। पल्सर में आपको बहुत ही कम वाइब्रेशन मिलता है। करते हैं इसकी लुक की। अगर लुक वाइज देखा जाए पल्सर में देखा जाए तो मेटल का ज़्यादा यूज़ कर रखा है, क्योंकि आप इसकी बॉडी देख सकते हो इसमें हर जगह आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो पल्सर इस मुकाबले में जीतती है, लेकिन लुक वाइज बात की जाए तो अपाचे इस मुकाबले में जीतती है, क्योंकि इसमें लुक को इंक्रीज करने वाले काफ़ी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। लेकिन पल्सर आपको वहीं सीधी सादी सोबर देखने को। एक नज़र डालते हैं इनके टायर्स पर। अगर टायर की बात की जाए तो अपाचे में थोड़े बड़े मिलते हैं व्हील इंच के, और दूसरी तरफ पल्सर में थोड़े छोटे देखने को मिलते हैं। और पीछे भी कुछ ऐसा ही हाल है। पीछे की बात करें तो अपाचे में इसमें भी पीछे वाला जो टायर है उनकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है। बात करते हैं इनकी साइलेंसर की, तो आपको जो अपाचे में साइलेंसर मिलते हैं उसमें डबल नोज देखने को मिलती है, वहीं पल्सर में आपको सिंगल नोज देखने को मिलती है। इनकी साउंड क्वालिटी कैसी है? RTR के जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। अब देखते हैं पल्सर का कैसा है। पल्सर का साउंड की जाए तो पल्सर का साउंड बहुत ही ज़्यादा मिलता है आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा साउंड को कम कर रखा है, लेकिन पल्सर में साउंड को कम नहीं कर रखा है, उसमें बढ़ा रखा है। तो साउंड का अगर मज़ा चाहिए तो पल्सर लीजिए। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कौन सी बाइक लें, कौन सी बाइक हमारे लिए ज़्यादा अच्छी होगी। अगर इनकी प्राइस की बात करूँ तो ये आपको पड़ती है 95 में, अरे वो आपको पड़ती है 89 में। इससे ऐसा आप देख सकते हो तो इसकी जो प्राइस है वो कम है अपाचे के मुकाबले। अब कर देखा जाए तो आपके लिए कौन सी है, जो स्टूडेंट है जो मतलब चाहते हैं अच्छा माइलेज वगैरह दे, वैसे हिसाब से देखा जाए तो पल्सर आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। हिसाब से देखा जाए तो इंजन जो आपको पल्सर में मिलता है वो ज़्यादा रिफाइंड है अपाचे के मुकाबले, क्योंकि अपाचे जो पल्सर का इंजन है वो 15 सालों से चेंज नहीं हुआ है, वो सेम ही है। अगर इसकी मीटर की बात की जाए तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर मिलता है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको टाइम क्लॉक भी मिलती है, RPM मीटर भी मिलता है, स्पीड, और यहाँ पर है किलोमीटर रीडिंग, और यहाँ पर फ्यूल गेज। अगर पल्सर की मीटर की बात की जाए तो इसमें आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको सिर्फ RPM मीटर और स्पीड देखने मिलती है, और नीचे आपको ट्रिप और यहाँ पर ऑडोमीटर देखने को भी मिलता है। आपको एक्स्ट्रा में एक सिर्फ स्टैंड इंडिकेशन मिलता है, और यहाँ पर बाकी और कुछ खास देखने को नहीं मिलता है जो स्पेशल आपको लगता है कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। अगर मीटर हिसाब से देखा जाए तो RTR में ज़्यादा अच्छा मीटर आपको देखने को मिलता है। और की बात की जाए तो इसमें मिलती है 16.5 की BHP, वहीं आपको पल्सर में मिलती है 14 BHP। अगर BHP के हिसाब से क्या जो इसका इंजन है इसमें ज़्यादा आपको पावर मिलती है, पल्सर में थोड़ी कम पावर देखने को मिलती है। लेकिन आप इस पर जब रेस करोगे तब थोड़ा रिजल्ट थोड़ा चेंज होगा। जीतेगी भले अपाचे जीतेगी, लेकिन पल्सर भी आपको उसमें कम ऐसा नहीं है कि एकदम ये हारती हुई दिखेगी, ये बहुत ही कड़ी टक्कर देती है देगी ये पल्सर भी। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा।